बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हाँ पार्थ, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मुझे वो सारे जन्म याद हैं, परंतु तुम्हें याद नहीं है। हे परंतप, वैसे तो मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं और समस्त प्राणियों का स्वामी हूं, परंतु मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी ही योग माया से प्रकट होता रहता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ पार्थ, मैं प्रकट होता हूं, मैं आता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूं। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग में जन्म लेता हूं। किंतु हे केशव, धर्म की हानि होती ही क्यों है? धर्म की हानि इसलिए होती है पार्थ कि मनुष्य मोह के बंधन को नहीं तोड़ पाता, कि वो अपने स्वयं से नाता तोड़कर समाज से नाता नहीं जोड़ पाता। हे पार्थ, यदि ऐसा न हुआ होता तो लाक्षाग्रह दुर्घटना न हुई होती, द्रौपदी वस्त्रहरण न हुआ होता और कौरव और पांडव सेनाएं यूं आज एक दूसरे के सामने नहीं खड़ी होती। तो क्या द्रौपदी वस्त्रहरण पर मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए था केशव? यह निर्णय तो स्वयं तुम्हें लेना है पार्थ, किंतु द्रौपदी वस्त्रहरण केवल तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है पार्थ। जो समाज इंद्रप्रस्थ की पटरानी महाराज द्रुपद की पुत्री और पांडवों की पत्नी द्रौपदी के वस्त्रहरण पर चुप रह गया, वो समाज भला किसी साधारण नारी के मान सम्मान की क्या रक्षा करेगा? द्रौपदी वस्त्रहरण एक सामाजिक समस्या है पार्थ, एक सामाजिक समस्या है, और यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन शक्तियों को नष्ट करने के लिए युद्ध करो जो किसी द्रौपदी का वस्त्र हरण कर सकती हैं। ये शक्तियां समाज की शत्रु हैं पार्थ, और जो महापुरुष इस युद्ध में उन शक्तियों के पक्ष में हैं, उनके पक्ष में युद्ध करने आए हैं, उनसे युद्ध करने में भी संकोच न करो। अपने व्यक्तिगत क्रोध और व्यक्तिगत मोह के बंधनों से मुक्त होकर लोक कल्याण के लिए युद्ध करो पार्थ, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है।